हेलो, क्या हाँ रिंकेश, हाल है भाई? मस्त मजा में मेरे भाई। तू बता कैसा है? बस बढ़िया। बता भाई, अरे मैं गया था, मगर कुछ फाउंड रहे तो मेरे पास फोन आने लग गए उनके यार। फाउंडिंग मेंबर्स के तेरे पास भी फोन आने लगे? हाँ, अच्छी बात है। तो भाई तू कुछ बता, यदि तेरे को कुछ पता हो तो उनको कुछ। अरे वो ये कहते हैं पैकेज लें कि नहीं लें। हाँ अच्छा, कि ऑन पैसिव का पैकेज लें कि नहीं लें? हाँ अच्छा अच्छा, उनमें उनमें कई गलती है उनकी भी, जैसे NDA में उनके सिग्नेचर गलत कर दिए उन्होंने। हाँ, अच्छा एनडीए में गलत सिग्नेचर, ठीक है। कुछ ट्रैफिक की डेट और टाइम मांग पूछ रहे हैं। ट्रैफिक की डेट और टाइम, एनडीए सिग्नेचर, पैकेज लूं कि नहीं लूं, ठीक है। हाँ, और कोई ये पूछता है कि भाई यूजर के बारे में पूछते हैं। अच्छा, जो यूजर्स जो दिख रहे हैं इकोसिस्टम में उसके बारे में। हाँ, कोई विड्रॉल के बारे में पूछता है, अच्छा विड्रॉल के बारे में, ठीक है। और एक तो इनको ऐश बम के बारे में पूछते रहते हैं। ऐश बॉम्ब के बारे में भी? हाँ नो भाई, कब फटेगा ये? हाँ ऐश बॉम्ब कब फटेगा? अच्छा। तो रिंकू, तू कोशिश करना इन सारे सवालों के जवाब देने की, ठीक है। एक काम करेंगे अपन, ये वाली ऑडियो अपनी जो यूट्यूब पे डलेगी, ये वाली वीडियो, तो ये वाली वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जिन लोगों के साथ इस तरीके के इश्यू आ रहे हैं, ठीक है। ठीक सबसे है। पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने एनडीए सिग्नेचर गलत कर दिए हैं, ठीक है। तो हाँ ये बहुत बड़ी एक तरीके से इश्यू बन चुका है, चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ लोगों ने क्या करा है, जब एनडीए सिग्नेचर करे थे ना अपन लोगों ने, तो उस समय क्या हाँ करा उन्होंने, एनडीए सिग्नेचर करे तो सिग्नेचर ही है, पर उन्होंने क्या करा, बैंक अकाउंट वाले सिग्नेचर नहीं करे। मेरी बात को गहराई से समझना। जैसे सपोज करते रहे, HDFC बैंक में अकाउंट है, ठीक है। तो हाँ बैंक में जो अकाउंट सिग्नेचर करता है वो वाला सिग्नेचर एनडीए पे नहीं करे, तो इसमें कौन से घबराने वाली बात है यार। बैंक अकाउंट के सिग्नेचर अलग होते हैं, एनडीए के सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर तो करे हैं ना। उस बंदे से ये पूछना, ठीक है, वो बंदा तेरे को बोलेगा कि सर मैंने जो एनडीए में जो सिग्नेचर करे हैं वो कुछ अलग सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर तो उसी के हैं, पर वो क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट से सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है उसमें यार। आदमी के पता अच्छा नहीं कितने सिग्नेचर होते हैं, और बैंक अकाउंट में अलग सिग्नेचर होते हैं, आदमी अपने अलग सिग्नेचर अलग जगह पे करता है, उसके चार बैंकों में अकाउंट है, तो हो सकता है चारों बैंकों में अलग अलग सिग्नेचर भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, तो उसको क्लियर, मतलब क्लियर शब्दों में समझा देना कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। यदि एनडीए में सिग्नेचर गलत हो गए हैं तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है यार। तुम ऑन पैसिव के ग्रेट फाउंडर हो, यदि सिग्नेचर सिग्नेचर तो हुए हैं ना, बस ये मेन चीज है, बाकी कैसे हुए हैं कैसे नहीं हुए उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, नहीं, ठीक ठीक है। है। हाँ क्लियर हो गया एनडीए के बारे में? बिल्कुल समझा देना कि बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा दूसरा सवाल तूने मुझसे क्या पूछा, ट्रैफिक की डेट और टाइम, ठीक है। हाँ लोग तेरे से पूछ रहे हैं ट्रैफिक की डेट और टाइम के बारे में, ठीक है। तो जी जी ट्रैफिक की डेट और टाइम के बारे में देख रही हूँ, ट्रैफिक कब से मिलना स्टार्ट होगा, किस डेट को मिलेगा, इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बारे ठीक में है। भाई रिंकू सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश रुफारे को पता है कि ट्रैफिक कब से मिलना स्टार्ट होगा। अपन, मैं और तू सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये हॉलीडेज जो आएंगे, समझ रहे हैं, जो दिसंबर के हाँ क्रिसमस वाले जो हॉलीडेज आएंगे, इस हाँ हॉलीडेज से पहले पहले सब कुछ मिलने की उम्मीद है। मतलब जो दिसंबर का महीना है वो महीना तहलका मचाने वाला है, ये बात रिकॉर्डेड है, कंफर्म है, ठीक है। ठीक है। बाकी ट्रैफिक मिलेगा किस हिसाब से, रिंकू ट्रैफिक उसी हिसाब से मिलेगा जो बातें आज से 4 महीने पहले होती थी। जिसने फाउंडरशिप पहले ली है उसको पहले ट्रैफिक, उसके बाद जिसने फाउंडरशिप ली है उसको बाद में ट्रैफिक, ठीक है। ठीक है। मतलब जिसने 2018 में ली है, सपोज कर तूने जैसे मार्च 2018 में तूने फाउंडरशिप ली है, तो वेल ऑब्वियस तेरे को पहले ट्रैफिक मिलेगा, और जिस बंदे ने अप्रैल में फाउंडरशिप ली है उसको थोड़ा सा लेट मिलेगा। मतलब ट्रैफिक मिलेगा सभी को, पर मिलेगा किसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग उसकी फाउंडरशिप है। फाउंडरशिप का जो डेट और टाइम है उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। और ओके। ट्रैफिक लेने के लिए पैकेज का बाई होना मैंडेटरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। जिस बंदे ने पैकेज को बाई करा है उसी बंदे को ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। तो ये ठीक बात है। क्लियर है। और इसके अलावा और क्या सवाल पूछा तूने मुझे, यूजर? एक यूजर के बारे में पूछते हैं। हाँ, यूजर के बारे में देख रिंकू, जैसे अपनी बात हुई थी आज से 2 महीने पहले, तूने बताया था कि भाई साहब गुप्ता जी को 93 यूजर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हाँ वेल ऑब्वियस वो गुप्ता जी के अकाउंट में देखेगा तो अभी भी उसके अकाउंट में 93 यूजर दिखाई देंगे, ठीक है। बट उसके उस यूजर का कोई भी मतलब नहीं है जब तक मिस्टर ऐश मुफारे क्लियर नहीं कर देते, जब तक वो, पता है जो यूजर दिखाई दे रहे हैं ना रिंकू, वो एक तरीके का कंफ्यूजन है। अभी उसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं है कि ये यूजर जो पैनल में शो कर रहे हैं, कुछ लोगों के 10 10 शो कर रहे हैं, कुछ के 150, कुछ के 93, कुछ के 0,
तो इनके बारे में अभी कोई भी है ना मतलब वो नहीं है, कंक्लूड आइडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है अभी कि यूजर दिखाई दे रहे हैं, किस चीज के यूजर दिखाई दे रहे हैं। ये मिस्टर ऐश ओफारे से जो अब की बार जो वेबिनार होगा शायद कुछ लोग उसमें पूछने की कोशिश करेंगे कि जो यूजर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, तो उसके बारे में वो ही मेरे हिसाब से शायद प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाएंगे। ठीक ठीक है, है। और इसके अलावा क्या पूछा तूने? ऐश बॉम्ब, नहीं, विड्रॉल विड्रॉल। हाँ अच्छा विड्रॉल के बारे में। देखें कुछ जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है ना उन लोगों का विड्रॉल 25 तारीख से पहले पहले, 25 दिसंबर से पहले पहले कंफर्म आने की उम्मीद है। जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है उन लोगों का विड्रॉल आ जाएगा। विड्रॉल में एक सोचने वाली बात यह है रिंकू, कुछ लोगों ने IFSC कोड से विड्रॉल लगाया हुआ है, ठीक है, तो हाँ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट कोड का होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। तो जिन लोगों ने IFSC कोड से विड्रॉल लगाया है शायद उनके जो ओ कॉइन है, जो उन्होंने विड्रॉल लगाए हैं ओ कॉइन 1,500 1,500 जो भी कॉइन उन्होंने लगाए हैं वो शायद उनके इकोसिस्टम में वापस आ जाएंगे, और वापस से उनको स्विफ्ट कोड डाल के और विड्रॉल लगाना पड़ेगा। और जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से लगाया है शायद उनका 25 तारीख से पहले पहले विड्रॉल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है। ठीक है ब्रदर, क्लियर। और क्या पूछा तूने? एक एश बॉम्ब के बारे में पूछे तब ऐश बताइए। बॉम्ब मुद्दे का चर्चा का विषय है, ऐश हाँ बॉम्ब। रिंकू यार ऐश बॉम्ब है ना, आप शायद मिस्टर ऐश ओफारे ने तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में बोला था, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक के आज शायद 3 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इन 3 दिन में यदि मिस्टर ऐश ओफारे ने यदि बोला, यदि ऐसा होता है तो इस 3-4 दिन के अंदर अंदर ऐश बॉम्ब आ सकता है। और ऐश बॉम्ब इतनी धमाकेदार अपडेट है मेरे भाई, वो पता नहीं क्या है, ठीक है, बट उसके अंदर जो भी ठीक कुछ है ना बहुत ही सरप्राइज कर देने वाला है, अचंभित कर देने वाला है, रॉक कर देने वाला है। उसके अंदर जो भी है वो देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो तेरे को क्या लगता है क्या होगा ऐश बॉम्ब के अंदर? है। उनके अंदर भाई होगा ट्रैफिक वगैरह, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ मतलब ट्रैफिक से रिलेटेड लगता है, मेरे को भी ट्रैफिक से रिलेटेड लगता है, और जहां तक मैं सोचता हूँ शायद ट्रैफिक से रिलेटेड ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऐश बॉम्ब के अंदर है। तो वेल ऑब्वियस रिंकू तेरे को मेरे को इंतजार करना है उस ऐश बॉम्ब का, कि उस ऐश बॉम्ब के अंदर क्या है क्या नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी मेरे भाई को सबसे पहले कॉल करके बताने की कि हाँ रिंकू ऐश बॉम्ब के अंदर ये है। ठीक है, क्लियर। ठीक अब है। तूने क्या बोला था, कुछ लोग पूछ क्या पूछ रहे हैं तेरे से, पैकेज लूं कि नहीं लूं? ठीक है, हाँ तो यार इनको देख, पैकेज को लेना नहीं लेना ये मैं और तू डिसाइड नहीं कर सकते यार तीसरे आदमी के बारे में, समझ रहा वो है? तो उसकी, वो तो अपनी उसकी इच्छा होगी तभी लेगा हाँ वो। उसकी चॉइस है, उसकी इच्छा है, यदि वो लेना चाहता है तो ले, नहीं लेना चाहता तो मत ले। ठीक है, हाँ यदि अपने जब अपने कहने से तो कौन लेगा। अपने कहने से कोई बंदा पैकेज ले, नहीं, रिंकू ये बात भी है, ऑन पैसिव में तेरे को यूजर लेके आना है, अपने कहने से ही लेके आना है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स, वो फाउंडिंग मेंबर्स है, उसने $97 दे दिए तो उसको $50 का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, $93 में पैकेज मिल रहा है, यदि उसके पास पैसे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ यार, किसी से पैसे उधार लेके कर्ज लेके कोई बंदा पैकेज को सब्सक्राइब ना करे। ठीक है, अभी 1 साल है फाउंडरशिप को, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है फाउंडरशिप को, 1 सितंबर 2024 को फाउंडरशिप एक्सपायर होगी यार, उससे पहले बहुत मौके मिलेंगे। किसी से कर्ज लेके उधार लेके पैकेज को बाई ना करें, यदि उसके पास सफिशियंट अमाउंट है, यदि उसको ऑन पैसे पे विश्वास है, बिलीव है, ट्रस्ट है, तो पैकेज को बाई करें। गलत कह रहा हूँ रिंकू? ना सही बात है। हाँ बिल्कुल, किसी से पैसे उधार लेके बिल्कुल भी इस टाइप का कदम ना उठाए। वेल ऑब्वियस यदि उसको लगता है विश्वास है तो ऑन पैसे के पैकेज को बाई कर ले। और अब तो $93 ही पे करने पड़ रहे हैं यार, तुम मैंने और तूने तो काफी अमाउंट दिया है, इन लोगों को $50 का डिस्काउंट भी मिल रहा है मेरे भाई। ठीक सही है, बात तो है। काफी चीजें हैं और इसके बारे में तू ज्यादा गहराई से समझ सकता है मेरे से ज्यादा। और क्या पूछा तूने? और एक एक चीज और बताता हूँ मैं तेरे को गूगल फॉर्म के बारे में। ठीक है, अभी से क्या हुआ था रिंकू, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड पेमेंट से जब वो पेमेंट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो पेमेंट कट गया था बट उनका वो कनेक्ट सब्सक्राइब नहीं हुआ था, तो उसके लिए कंपनी ने क्या करा था, एक फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म, सुन रहा है मेरी अच्छा बातों को, हाँ एक गूगल फॉर्म दिया था। तो गूगल फॉर्म में क्या होता था, अपनी डिटेल्स शेयर करनी थी और उसको सबमिट करना था। ठीक है, तो अच्छा अभी क्या करा है बैक ऑफिस से, और जो अपडेट वाला सेक्शन है उससे वो गूगल फॉर्म की जो अपडेट है वो हट चुकी है वहां से। ठीक है, अभी यदि किसी को कार्ड पेमेंट को लेकर इश्यू है तो उसको गूगल फॉर्म का वापस से इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 2-3 दिन में वापस से गूगल फॉर्म आ जाए, अभी इस पे काम चल रहा होगा तो वापस से उसका लिंक आ जाएगा, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं कि गूगल फॉर्म मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, किसी को भी अभी दिखाई नहीं दे रहा गूगल फॉर्म वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म का वापस से लिंक मिलेगा, यदि कार्ड पेमेंट का कोई इश्यू है तो वापस से गूगल फॉर्म उसको सबमिट करना है, जिसने एक बार सबमिट कर दिया उसको दोबारा से सबमिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि अभी फिलहाल किसी को कार्ड पेमेंट के लेकर कोई इश्यू होता है तो वेल ऑब्वियस उसको गूगल फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है। हाँ
और इनको बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई, बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी किसी के बारे में भी कोई फाइनल डेट नहीं है, ना तो ट्रैफिक को लेकर फाइनल डेट है, ना विड्रॉल को लेकर फाइनल डेट है, ना ऐश वॉम को लेकर कोई फाइनल डेट है, पर जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि दिसंबर के महीने में ये सारी की सारी चीजें क्लियर होने वाली है, क्योंकि कंपनी अब नहीं चाहेगी कि फाउंडर्स का 1 महीने का टाइम और एक्सटेंड कर दिया जाए। अभी जैसे 120 दिन का टाइम करा है कंपनी ने, तो कंपनी नहीं चाहेगी कि 150 दिन का टाइम कर दिया जाए, समझ रहा है? उससे क्या होता है, हाँ कंपनी पे जो विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, वो लोगों का खत्म हो जाता है। तो जो 30 दिन का जो कंपनी ने जो टाइम पीरियड जो एक्सटेंड किया है, ये बढ़ाया है, इस 30 दिन के अंदर अंदर फाउंडिंग मेंबर्स को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है, जितना मुझे विश्वास है, जितना मुझे ट्रस्ट है। तू क्या समझता है इसके बारे में? देखो, मैं सब समझता हूँ। अच्छा, क्या समझता है, मतलब ट्रैफिक इस 30 दिन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, पक्का मिलेगा भाई। पक्का मिलेगा ना? हाँ ठीक है, यदि इतना विश्वास है ना रिंकू, तो 101% ट्रैफिक मिलेगा मेरे भाई। और जहां तक कोशिश है, 25 दिसंबर से पहले पहले जितने भी इश्यू हैं, जितने भी जो ग्लिचेस आ रहे हैं कंपनी के अंदर, कंपनी स्टेबल नहीं हो पा रही है, वो कनेक्ट को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, साउंड का इशू आ रहा है, क्वालिटी का इशू आ रहा है, बहुत सारे इशूज आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के मंथ में सारे के सारे इशू क्लियर हो जाएंगे और फाउंडिंग मेंबर्स को एक अच्छी अर्निंग की शुरुआत हो सकती है। ठीक है ब्रदर, हाँ बिल्कुल, ओके भाई, ऑन पैसिव, जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ओके ब्रदर। ओके।